हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, ये मोटो का फ़ोन है। दोस्तों, मोटो के फ़ोन में आपको 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताऊँगा, बहुत ही बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, जो सबसे पहले आपको स्क्रीन शॉट लेने का तरीका बताऊँगा। दोस्तों, तो आप अपने मोटो फ़ोन में स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप अपने मोटो फ़ोन में स्क्रीन शॉट कैसे लोगे? बहुत से फ़ोन में ऐसा होता है कि 3 फिंगर से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्वीप करोगे तो आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप जो है स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करोगे तो आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को जब एक साथ आप प्रेस करोगे तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा। यहाँ पे चलिए आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा। और दूसरा तरीका, 3 फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आप स्वाइप करोगे तो भी आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। इन दो तरीक़ों से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन शॉट ले सकते हो मोटो फ़ोन में। दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सेटिंग बताऊंगा, 5 ऐसे सेटिंग बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। इस प्रकार से आपको जो है पहला ट्रिक, आप स्क्रीन शॉट कैसे लोगे अपने फ़ोन में, यहाँ पे 3 फिंगर से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। और आपको दूसरे ट्रिक के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में टॉक बैक इनेबल हो गया है, आप कहीं भी टच करते हैं तो इस तरीके से हरे रंग का आइकन बनता है और मोबाइल से बोलने की आवाज़ होती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, डबल फिंगर से आपको ऊपर नीचे करना है और किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आपको डबल प्रेस करना है। तो इस प्रकार से करके आप अपने मोबाइल का सबसे पहले लॉक खोल लीजिए। आपका जब टॉक बैक इनेबल हो जाता है तो आपका टच जल्दी काम नहीं करता है, आप कहीं भी एक बार प्रेस करोगे तो काम नहीं करेगा, ऊपर नीचे करोगे तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है और किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आपको डबल प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से हम लॉक खोल लेंगे डबल फिंगर से, और इसके बाद डबल फिंगर से इसका जो है मेनू ओपन करेंगे। दोस्तों, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आपको जो है डबल प्रेस करना है और डबल फिंगर का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आप जो है मेनू खोलेंगे। मेनू खोलने के बाद दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर सेटिंग पर आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पे एक फिंगर से जब आप करोगे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे डबल फिंगर का प्रयोग करना है। एक बार सेलेक्ट करोगे सेलेक्ट हो जाएगा, डबल प्रेस करोगे तो ये ओके हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ सेटिंग पे डबल प्रेस करके जो है इसको ओके कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक फिंगर से आप ऊपर नीचे करोगे तो नहीं होगा, यहाँ पर आपको डबल फिंगर से जो है मतलब आपको ऊपर नीचे करना है। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक्सेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सेबिलिटी पर आप एक बार सेलेक्ट कीजिए, डबल प्रेस कर लीजिए, उसके बाद ये है ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डबल प्रेस करके इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आपको टॉक बैक का ऑप्शन मिल जाएगा, टॉक बैक पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, डबल प्रेस करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ऑन है यूज टॉक बैक, यहाँ से इसको हम ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा, स्टॉप पर एक बार क्लिक करेंगे और डबल प्रेस कर देंगे तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप जो है अपने मोबाइल का जो है टॉक बैक डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों, अब आपको हम यहाँ पे तीसरे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मान लीजिए आपके डिस्प्ले का जो है लाइट जो है कलर डिस्प्ले हो गया है, इस प्रकार से नेगेटिव हो गया आपका डिस्प्ले, मतलब इस प्रकार से मतलब नेगेटिव हो गया है, आपका सारा कलर चेंज हो गया है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल का लॉक खोल लीजिए। तो इस प्रकार से हम जो है अपने मोबाइल का लॉक खोलेंगे। सबसे पहले अपने मोबाइल का लॉक खोल लीजिए, आपको दिखाता हूँ स्क्रीन कैसा हो गया। तो यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ऐसा मान लीजिए आपके मोबाइल में सेटिंग हो गया है और सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो आप कहाँ से इसको सेटिंग करोगे? तो यहाँ सबसे पहले आप जो है मेनू खोल लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए सारे ऐप्स का कलर जो है बदल गया है। यहाँ पे जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कैसा सारे चित्र दिखाई दे रहा है, कोई भी चित्र साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप जो है बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कहाँ से इसको सेटिंग करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप दोस्तों सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे चलिए सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सेबिलिटी पे जाना है, यहाँ पे आप एक्सेबिलिटी ढूंढ लेना, यहाँ पे नीचे जाना है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक्सेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एक्सेबिलिटी ढूंढ लेना है नीचे, थोड़ा मिलेगा आपको। अब चलिए नीचे जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे एक्सेबिलिटी पे जाएंगे। एक्सेबिलिटी पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कलर इन वर्जन का ऑप्शन। तो यहाँ पे कलर इन वर्जन पे जो है डबल यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए ऑन है, तो यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है डिस्प्ले का कलर जो है सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, पहले की तरीके से हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए सारा
ऐप्स जो हमारा सही से दिखाई देने लगा। और यहाँ पे हम आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए पहले चित्र कैसा दिखाई देता था, अब सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है। तो इस प्रकार से हम अपना डिस्प्ले का कलर सेट कर सकते हैं दोस्तों। और हम चौथे सेटिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों, आपका बैक बटन, यदि मान लीजिए आपका बैक बटन हाइड हो गया है और आपको बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बैक बटन कहाँ से ओपन करना है मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल का लॉक खोल लीजिए और लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले आप लॉक खोल लीजिए। लॉक खोलने के बाद देख लीजिए यहाँ पे तीनों बटन का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से स्वीप करने पर आपका जो है बैक होगा और यहाँ पे तीनों बटन का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आपको बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको ऐसे सेटिंग करना है बटन का। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ दोस्तों आपको देख लेना, ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाना है, उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे जो लिखा हुआ है सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए गेस्टेस लिखा हुआ है, गेस्टेस में यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम नेगेटिवेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए थ्री बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर थ्री बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका तीन बटन का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बैक करने का बटन आ गया है, यहाँ पे यहाँ से आप बैक कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। आप जो है अपने मोबाइल में बैक बटन, यदि आपका बैक बटन हाइड हो गया है और आपको बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस सेटिंग की सहायता से आप जो है अपना बैक बटन ला सकते हैं दोस्तों। अब आपको लास्ट सेटिंग के बारे में बताऊँगा, लास्ट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हमारे मोबाइल का डिस्प्ले रुक जाता है, टच काम करना बंद कर देता है, या डिस्प्ले हैंग हो जाता है, या मतलब साउंड अचानक काम करना बंद कर देता है, माइक स्पीकर रिंगर सब कुछ काम करना बंद कर देता है। तो आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना है, और रिबूट करने के लिए क्या करना है, पावर बटन को आपको 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके लगातार रखना है दोस्तों। आपको वॉल्यूम यहाँ पे पावर बटन को केवल एक साथ आपको पावर बटन को प्रेस करना है 10 से 15 सेकंड, तो आपका जो है मोबाइल रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने मोबाइल का फोल्डर चेंज करवाते हैं, या मतलब ऐसे अचानक चलाते चलाते आपका अचानक टच काम करना बंद कर देता है, या आपका डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है, डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिखाई देता है, या मान लीजिए अचानक आपका माइक स्पीकर रिंगर सब कुछ काम करना एक साथ बंद कर दिया है, या आपका टच काम करना बंद कर दिया है, या आपका मतलब डिस्प्ले पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। आपको रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए क्या करना है, आपको पावर बटन को कुछ टाइम तक प्रेस करके रखना है, लगभग 10 से 15 सेकंड तक आप प्रेस करके रखोगे तो आपका जो है फ़ोन रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा, और जो भी आपका हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा वो ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका साउंड हैंग हो गया है तो वो भी ठीक हो जाएगा, आपका डिस्प्ले सही है, डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो भी आपका डिस्प्ले आ जाएगा। यदि आपका टच अचानक काम करना बंद कर दिया है और अपने फ़ोन को आप एक बार रिबूट और रिस्टार्ट कर लोगे, तो आपका जो है फ़ोन जो है टच सही रहेगा, तब टच काम करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अपने फ़ोन का जो है हैंगिंग प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, जो है पावर बटन को कुछ टाइम प्रेस करके रखेंगे तो हमारा फ़ोन जो है ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा और हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले सही रहेगा तो डिस्प्ले आ जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से हम अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके एक बार ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पे हमारे नए आए हैं तो चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ हमारा सही है, मान लीजिए आपका कोई भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा तो 100% आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपने मोबाइल को एक बार रिबूट करके ज़रूर देखना है। आपको पाँचों टिप्स एंड ट्रिक कैसे लगे, आपको पाँचों टिप्स आपके मोबाइल पास ऐसा फ़ोन है तो आपको कभी भी काम आ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।